Mrityu! 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 उनकी बात मत सुनिए प्रदीप भाई, मैं शब्द खान आपसे उनकी एक बार राणा जी माफ कर दीजिए ना, राणा जी माफ कर दीजिए, जान बख्श दीजिए राणा जी। हम तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं शमशान, पर हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। आप जो कहें हम करने को तैयार हैं। बोलिए राणा जी, बोलिए, हुकुम कीजिए, हुकुम कीजिए, बस हमारी जान बख्श दीजिए। तो सुनो शम्स खान, किस प्रतिबंध पे हम तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं, ये कान खोल कर सुनो। बोलिए राणा जी। मेवाड़ की सीमा के भीतर जहां जहां जितने भी अफगानी सिपाही हैं, तुम उन्हें तत्काल हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने का आदेश दो। हो गया, भेज दिया संदेश। तस्लीम, तस्लीम, तस्लीम। और सुनो, पिछले एक बरस में तुम अफगानियों ने मेवाड़ और मेवाड़ी जनता से जितनी भी धन संपत्ति लूटी वो सब वापस लौटानी है। एक कतरा भी अपने पास नहीं रखेंगे। हमारा क्या है, सब आपका है, हम तो भिखारी, सब आपका है। और अंतिम प्रतिबंध, ये छावनी जहां तुमने डेरा डाला हुआ है, ये सब उठ जानी चाहिए। सारे अस्त्र शस्त्र तोड़ दुर्ग के हमारे अधिकारियों के पास जमा कराने हैं। बोलो, स्वीकार है ये प्रतिबंध? सुन लो, सुन रहे हो? जमा हो गया राणा जी। और बोलिए, आज सांझ का सूरज ढलने से पहले तुम मेवाड़ की धरती छोड़कर अपने देश अफगानिस्तान की तरफ प्रस्थान करोगे शमशान। कल सुबह अगर मेवाड़ की धरती पर एक भी अफगान सिपाही दिखाई दिया, तुम उसे अभी से मृतक मान सकते हो। बोलो, स्वीकार है ये प्रतिबंध? स्वीकार, स्वीकार, हर प्रतिबंध स्वीकार। महाराणा उदय सिंह जी की जय। महाराणा उदय सिंह जी की जय। महाराणा उदय सिंह जी की जय। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूं। जल्दी सुनना पड़ेगा ये को समाचार। हम हार गए ना याजी, सब खत्म हो गया ना। जब तक कुछ पता ना चले विचलित मत होना महारानी साहब। अजन में बच्चे पर बुरा असर पड़ता है, धैर्य रखिए। महारानी साहब रुक जाइए, महारानी साहब रुक जाइए, मत जाइए। शम्स खान का आदेश लेके आई हूँ भारत, तो उसे जाके कह दो कि हम भी राजपूतानी हैं। उसके हाथ लगने से अच्छा है हम अपने हाथों से अपनी जान ले ले। नहीं नहीं महारानी साहब, मरे आपके शत्रु, हम तो ये बताने आए हैं कि हम युद्ध जीत गए हैं। शम्स खान ने मेवाड़ नाथ के सामने हथियार डाल दिए हैं।
हम सच में जीत गए। हाँ महारानी सा, ये भी है और ये भी। याची, हमें जल्द से जल्द महल जाना है। अब राणा जी के चेहरे को देखे बिना हमें चैन नहीं आएगा। हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते याची, हमें महल जाना है। आप चलिए, हम महल चलेंगे। पार्वती, कुंवर प्रताप के बारे में कुछ पता चला? सब लोग उनकी बातें कर रहे हैं। इस युद्ध में जीत उन्होंने ही तो दिलाई है। उन्होंने ही तो राजाणा जी के साथ मिलकर मेवाड़ का ध्वज लहराया है और देखते ही देखते उन्होंने सारे युद्ध का पासा ही पलट दिया। उन्होंने ही बचाया है मेवाड़ को महारानी सा। सच जी। संभल के महारानी सा। संभल के याचे, पंख होते तोड़ के चले जाते। आप नहीं जानते हमारा मन कितना अधीर हो रहा है। कुंवर प्रताप, हमें जल्दी जाना होगा। एकलिंदी की जय। एकलिंदी की जय। एकलिंदी की जय। एकलिंदी की जय। महाराणा उदय सिंह जी की जय। महाराणा उदय सिंह जी की जय। महाराणा उदय सिंह जी की जय। इस विजय का असली श्रेय जाता है उन शूरवीरों को जिन्होंने राज राणा जी के एक इशारे पर मेवाड़ के ध्वज को फहराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। मेवाड़ की जनता और मेवाड़ का इतिहास राज राणा जी का ऋणी है और उनके इस अभूतपूर्व शौर्य को सदा के लिए सम्मान के साथ याद रखेगा। हुक्म। एक शूरवीर जो कर सकता है, आज राज राणा जी ने वो सब कुछ किया। तो दुख की बात तो यह है कि क्या है रावत जी, बोलिए रावत जी। मेवाड़ के ध्वज को कीर्ति स्तंभ पर लहराते देखने के लिए राज राणा जी हमारे साथ नहीं। जी अपने बलिदान का सुफल तो नहीं कर जाते, पर एक बार अपनी आंखों से देखते कि आपकी वीरता ने शत्रुओं को कैसे परास्त किया। देखिए राज राणा जी, देखिए मेवाड़ की विजय आपके रक्त में नहा कर जन्मी। आपके बलिदान ने मेवाड़ के शत्रुओं को परास्त कर दिया। राज राणा जी, आपने स्वयं को मिटाकर मेवाड़ के मान सम्मान को बचाया।
महाराणा उदय सिंह आपके आपके इस बलिदान को शत शत नमन करता। रावत जी हुक्म। राज राणा जी और उनके सैनिकों का पूरे राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए, ये हुक्म। राज राणा बहादुर की जय। 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 एक बात बताइए रावत जी, अगर राज राणा जी ने मेवाड़ का ध्वज फहराने से पहले अपना बलिदान दे दिया था तो वो कौन है जिसने कीर्ति स्तंभ पर मेवाड़ का ध्वज फहराया है? बताइए रावत जी, नाम बताइए उस शूरवीर का। हम उसे मेवाड़ का सर्वोच्च सम्मान देंगे, हम उसे आदर सहित दरबार में स्थान देंगे। उस शूरवीर की आने वाली पुश्तें आनंद से जिएंगी। उस शूरवीर का नाम बताइए रावत जी। हुक्म। आप जिन्हें ये सब सम्मान और पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं, ये सब उनके पास पहले से ही है। लेकिन ऐसा कौन सा शूरवीर हो सकता है? वो आपका अपना लहू है, आपके ज्येष्ठ कुंवर पावजीराज प्रताप सिंह। आगे बढ़ूं कहे पिता मुझको, मैं जो शासक बनूं, अंग प्रजा का बन इतिहास गढूं। आयो रे आयो रे धरती पर, आयो रे छायो रे छायो रे, मारो प्रताप छायो रे। तरनार दीम तराम दीम तराम दीम 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 उबाल सा तू ढाल सा, भारत कहे वीर सा, मेरा पुत्र प्रताप है। जिसकी जयकार प्रताप है, एक लिंग का कहे जिसे अवतार प्रताप है, वीर के साहस का हाहाकार प्रताप है। जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है, जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है। जी अपने लड़के को संभाल के रखिए, क्योंकि एक बात हम ईमान से कह सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में अपने लिए जितने दुश्मन बनाएंगे बाखुदा आप उम्र भर बनाते ही रहेंगे। आपका हर दुश्मन आपसे पहले आपके इस लड़के की गर्दन उड़ाने का प्यासा रहेगा। कम से कम हम तो इसके प्यासे। रावत जी
शम्स खान, अपने हथियार डालो और चले जाओ हमारी पवित्र मातृभूमि से दूर, क्योंकि जब तक हमारी मातृभूमि पर तुम्हारे गंदे पांव हैं, तुम्हारे धड़ से तुम्हारा सर अलग ना करना हर क्षण हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। आज राणा जी और कुंवर प्रताप के स्वागत में इस महल को नववधु की तरह सजाओ, दिए जलाओ, फूल बिछाओ, इत्र उड़ाओ और देखो यहाँ पर इतने फूल बिछाओ कि हमारे प्रताप के पांव को धरती छू तक ना सके। चारों ओर फूल ही फूल बिखेर दो। जाओ तैयारियां करो। जीजा, जीजा, वह शक्ति लौट रहे हैं, हमारे सारे पुत्र वापस आ रहे हैं। मानसी जी का संदेश आया है कि वो सबको अपने साथ लेके आ रहे हैं। जीजा हम बहुत खुश हैं। एक बार फिर हम कुंवर शक्ति को अपने सीने से लगा सकेंगे, अपने सभी पुत्रों को अपनी आंखों से बड़ा होते देख सकेंगे। जीजा, एकलिंग जी, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा, कि हम बता भी नहीं सकते। जीजा, हाँ बेना, आप सब कर पाएंगे, सब। और इसका श्रेय आपके बेटे को जाता है जीजा। हमारे बेटे को। हमारे बेटे को, हमारे बेटे को, हमारे बेटे को। अब भला आपकी आंखों में आंसू क्यों है गुज्जा भाई? क्योंकि मैंने इतना खुश आपको कभी नहीं देखा महारानी सा। एक लिंग जी झूठ ना बुलवाए, इतनी खुश तो आप बाजी राज के जन्म पे भी नहीं हुई थी महारानी सा। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं गिरजा भाई, आप सच कह रहे हैं। हम आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश, और वो इसलिए क्योंकि कुंवर प्रताप का नया जन्म हुआ है, एक मातृभूमि के रक्षक के रूप में। बच्चे को जन्म देने में तो सभी को खुशी होती है, हमें भी हुई थी गिरजादाई, पर इतनी सी उम्र में उन्हें इतना बड़ा काम करते देखना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं गिरजादाई। इस महल में पहली बार इतनी खुशी आई है, किसी की इस पर बुरी नजर न पड़े। चलो अब यहां से। शम्स खान, शम्स खान, अभी तुमने मेवाड़ और मेवाड़ की जनता की सबसे मूल्यवान वस्तु तो वापस की ही नहीं, इसे समर्पित किए बिना तुम जा कहां रहे हो शम्स खान? पूर्वजों का वंशज मैं महाराणा उदय सिंह ये प्रण लेता हूं
कि जब तक मेवाड़ की स्वतंत्रता का ये चिन्ह अपने शत्रुओं से वापस नहीं ले लेता, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। एकलिंग जी की जय। एकलिंग जी की जय। महाराणा उदय सिंह जी की जय।